हेलो, आप देख रहे हैं इनखबर हिस्ट्री और मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए बॉलीवुड की एक बड़ी दिलचस्प कहानी, एक रोमांटिक कहानी। अगर आप जानते होंगे आर डी वर्मन को तो आशा भोसले को भी जानते होंगे, कैसे दोनों ने शादी की बाद में। लेकिन आर डी वर्मन की पहली शादी की दास्तान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कैसे 100 रुपये की शर्त के चक्कर में हो गई उनकी शादी। जी हाँ, बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल एक बार दार्जिलिंग गए थे आर डी वर्मन घूमने के लिए, तो वहाँ पर एक लड़कियों का ग्रुप उनके पास आया, जैसा किसी ने उनको पहचान लिया। उस वक्त तो टीवी हुआ नहीं करते थे, तो वो उन्होंने पहचान लिया और बोले कि ये 65 की शायद बात है, और पहचान के ऑटोग्राफ मांगा राहुल देव बर्मन को, तो उन्होंने ऑटोग्राफ दिया और उसके बाद वो चले गए। उसके जाने के बाद, ये कई महीनों के बाद की बात है, जब बॉम्बे आ गए वापस, तो एक दिन वो अपने दो दोस्तों के साथ बैठे हुए थे आर डी वर्मन अपने फ्लैट में। अचानक उनका पास फ़ोन आता है, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे उस वक्त, तो फ़ोन आया और बोले कि आर डी वर्मन बोल रहे हैं। बोले कि हाँ, कौन बोल रहा है? कि मैं रीता पटेल बोल रही हूँ और मैं आपको दार्जिलिंग में मिली थी और मैं आपका वेट कर रही हूँ सिनेमा हॉल पर, और 3 बजे का मैंने टिकट लिया, आप आइए। इतना कह के उसने फ़ोन रख दिया। अब आर डी वर्मन बड़े हैरान थे, यंग थे, युवा थे उस वक्त, लड़कियों को लेके नेचुरली एक्साइटेड रहते होंगे। तो उस वक्त ये बड़ी बात थी कि ऐसी कोई लड़की फ़ोन करके उन्हें किसी सिनेमा हॉल पे टिकट देके बुला रही हो। तो उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि ऐसा हुआ है, तो बोले ऐसा करते हैं कि वहाँ चलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि आखिर होता क्या है। जब उस लड़की ने फ़ोन पे एक और बात बताई थी कि वो नीली साड़ी पहने होंगी, उनके हाथ में पर्स होगा, वाइट रंग का होगा और गूगल्स लगाए होंगी, ये उन्होंने बोला था अपनी पहचान के तौर पर, वहाँ मिलूंगी। और आर डी वर्मन ढंग से कुछ पूछ भी नहीं पाए थे, और जब उन्हें लगा कि शायद कोई परिचित होंगी, मिलके बताएंगे और एक बार देख लेते हैं, तो वो तीनों लोगों कार में गए, आर डी वर्मन ड्राइव करते हुए गए। उनको बोल दिया था कि जो सिनेमा हॉल के बाहर एक सर्कल है, वहाँ एक रेस्टोरेंट है, पहले एक सर्कल पे चक्कर लगाएंगे, वो लड़की दिखेगी, तुम उसी सर्कल पे आगे जो रेस्टोरेंट है वहाँ हमको उतार दीजिएगा, हम लोग वापस आ जाएंगे और तुम उस लड़की से बात करना, समझना माजरा क्या है। तो आर डी वर्मन जब वहाँ पहुँचे सर्कल पर, वही नीली साड़ी पहने वो लड़की दिखी, वैसे ही सेम, हाथ में पर्स ली हुई थी, चश्मा लगाई हुई थी। वो जब दिख गई तो उन्होंने एक सर्कल पे राउंड लिया और अपने दोस्तों को उतारा, रेस्टोरेंट में छोड़ा, उसके बाद वापस गए और कार पार्क की, उस लड़की से मिले। और उसके बाद लड़की ने उन्हें बात करने का ज़्यादा मौका नहीं दिया, बोले कि अंदर चलो, अंदर बात करते हैं, और साथ में ले गई और दोनों लोग साथ साथ चले गए, क्योंकि सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने वाली थी। टाइम था, बैटनी शो था उस वक्त, और 3 बजे का जब वो लोग अंदर चले गए, जेम्स बॉन्ड की फिल्म थी, हालांकि आर डी वर्मन की देखी हुई थी, लेकिन वो देखने लगे। थोड़ी फिल्म स्टार्ट हुई तो आर डी वर्मन ने पूछा कि क्या नाम आपका, तो उन्होंने नाम बताया, बोले कि हम कब मिले थे, तो बोले कि हम वहाँ मिले थे आपसे। तो अचानक जब आर डी वर्मन एक दो सवाल और करने लगे, तो वो लड़की उनसे बोलती है कि मैं 1 मिनट में अभी आता हूँ। जब वो लड़की चली गई तो, और नहीं आई थोड़ी देर, तो आर डी वर्मन को लगा कि लड़की गायब हो गई है, उसके पीछे गए, वॉशरूम में देखा, वहाँ नहीं मिली, तो वो नीचे के ज़्यादा देखा, तो वो लड़की अपनी ब्लैक एम्बेसडर कार में वहाँ से सिनेमा हॉल से बाहर निकल रही है। जब तक आर डी वर्मन ने उसको सोचा कि रही तो गच्चा देगी, बेवकूफ़ बना गई, वो फौरन कार, अपनी कार के पास पहुँचे फ़ौरन, और वहाँ अपनी कार निकाली पार्किंग से, जब तक वो लड़की गायब हो गई। अब ये लोग बड़े हैरान थे और हंस रहे थे आर डी वर्मन के दोनों दोस्त के ऊपर, तो कैसे उस लड़की को ढूंढा जाए। एक दिन उनको वो लड़की बॉम्बे के किसी इलाके में फिर नज़र आई, वही काली एम्बेसडर कार में, और ये बड़ा दिलचस्प संयोग था। उन्होंने उसका पीछा किया तो वो जहाँ पर मरीन ड्राइव के आगे जिस बिल्डिंग में घुसी, वो 6 मंजिला बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में घुसी, उसको उन्होंने बाहर से आइडेंटिफाई कर लिया। और उसके बाद उस बिल्डिंग की, उस वक्त डायरेक्टरी चलती थी फ़ोन की डायरेक्टरी निकाली, नाम उन्हें पता था रीता पटेल, उन्होंने जितने पटेल थे उसमें आइडेंटिफाई किए डायरेक्टरी में, उस बिल्डिंग के जो फ़ोन नंबर्स थे उस वक्त, तो 3 पटेल उसमें निकले। उन तीनों पटेल को आर डी वर्मन ने फ़ोन लगाया, पहले में कोई रीता पटेल नहीं थी, दूसरे में कोई रीता पटेल नहीं, तीसरा फ़ोन खुद रीता पटेल ने उठाया। तो आर डी वर्मन ने जब कहा कि मैं राहुल बोल रहा हूँ, तब रीता पटेल चौंकी, बोले कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? तो वो बोले हम लोग जेम्स बॉन्ड है। राहुल ने जवाब दिया कि हम लोग तो जेम्स बॉन्ड है, हमसे बचकर कहाँ जाओगी। फाइनली उसको राहुल ने प्रेस किया कि तुम मुझसे मिलो और मुझे बताओ पूरी बात क्या है। जब वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिले तो रीता पटेल ने पूरी कहानी राहुल देव वर्मन को बताई कि इसकी वजह क्या थी, जो उन्होंने ये स्टंट किया, राहुल को बुलाया, फिर सिनेमा हॉल में बैठाया और भाग गए वहाँ से। तो ये हुआ क्यों? उन्होंने बताया कि जब हम लोग दार्जिलिंग में मिले थे तो दोस्तों पे इंप्रेशन मारने के लिए रीता ने बोल दिया था कि अरे राहुल तो मेरा पुराना परिचित है, मैं तो मिलती रहती हूँ, दोस्त है मेरा बॉम्बे में, हम लोग तो मूवीज़ देखने जाते हैं साथ में। बोले मैंने ऐसे बोल दिया, तो उन लोगों ने शर्त लगा ली कि नहीं तुम मूवी देख के दिखाओ उसके साथ। 100-100 रुपये की शर्त उस जमाने में लगी, और तब उसने ये स्टंट किया, राहुल का फ़ोन नंबर कहीं से निकाला, फ़ोन किया और पहले से टिकट लेके रखी, वहीं सिनेमा हॉल में बाहर लॉबी में उसके दोस्त ये सब देख रहे थे कि कैसे वो लड़की
खड़ी है, राहुल देव बर्मन कार से पहुंचते हैं, दोनों सिनेमा हॉल में अंदर जाते हैं। उसको इतना करना था, उसके बाद वो घबरा गई, उसने वो शर्ट जीत गई थी, उसे लगा और राहुल देव बर्मन जाए पहाड़ में, वो वहाँ से भाग गई। ये कहानी हुई थी उसके बाद, लेकिन ये वाकया राहुल देव बर्मन के दिल को छू गया, दोनों निकट आ गए, दोनों ने बाद में शादी कर ली। शादी के बाद घर पे ले आए, हालांकि ना लड़की का परिवार राजी था और एक तरह से लड़के का परिवार भी राजी नहीं था। 7-8 साल उन दोनों के रिश्तों में भी दरार आई और उसके बाद में दोनों का तलाक हो गया। तब आशा भोंसले आर डी बर्मन की ज़िंदगी में आई। तो इस तरह की और दिलचस्प कहानियाँ बॉलीवुड के तमाम जो कलाकार हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, बड़े नामचीन लोग हैं, भारतीय इतिहास के तमाम गुमनाम नायक हैं, उनकी दिलचस्प कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इन खबर स्ट्रीट। थैंक यू।